कल्पना करें कि आपके पूरे कारखाने पर बमबारी हो और वो भी दो बार, और फिर तीसरी बार भूकंप के बाद कारखाना टूट कर ढह जाए। अगर हम सोइचिरो होंडा होते तो सोचते कि हमारे भाग्य में व्यवसाय करना है ही नहीं, जबकि सोइचिरो ने ऐसा नहीं सोचा। द्वितीय विश्व युद्ध में कारखाने में दो बार बमबारी होने के बावजूद होंडा ऑटोमोबाइल के संस्थापक ने हार नहीं मानी। इसके बाद सोइचिरो ने एक साइकिल बनाने के बारे में सोचा जिसमें एक छोटी सी मोटर लगी हो, और फिर स्कूटर को US में निर्यात किया गया। यह बहुत बड़ा हिट था और फिर शुरू हुई एक उद्यमी की सफलता की कहानी जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी हैरी पॉटर सीरीज की किताबें प्रकाशित होने से पहले J.K. रॉलिंग खुद को असफल मानती थी। रॉलिंग बेरोजगार थी, तलाकशुदा थी और कंगाल भी थी। रॉलिंग का एक बच्चा था। पैसों की कमी के कारण बच्चे की देखभाल भी सही से नहीं हो पा रही थी। तलाक के बाद रॉलिंग ने हैरी पॉटर किया। वर्ष 1995 में लगभग 12 प्रमुख प्रकाशन घरों ने हैरी पॉटर को खारिज कर दिया। 2 साल बाद ब्लूम्सबरी ने इसे लेने का फैसला किया और शेष इतिहास है। निर्देशक अनुराग कश्यप की पहली फिल्म 5 को सेंसर बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया और फिल्म कभी सिनेमाघरों तक नहीं पहुंची। उनकी अगली फिल्म ब्लैक फ्राइडे अपने विवादास्पद टॉपिक के कारण काफी देर से रिलीज हुई। उनकी तीसरी फिल्म नो स्मोकिंग नकारात्मक समीक्षाओं का शिकार हो गई और बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। फिर आई देवडी और गैंग्स ऑफ वासेपुर जिसने कश्यप को एक कामयाब निर्देशक बनाया। कश्यप एक इंटरव्यू में भी बता चुके हैं कि वो सड़कों पर भी सो चुके हैं क्योंकि कमरे के किराए के लिए उनके पास पैसा नहीं था। मनोज भार्गव जो कि US में एक अरबपति बिजनेसमैन है, 30 साल की उम्र तक एक टैक्सी ड्राइवर थे। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कॉलेज छोड़कर वे टैक्सी चलाने लगे। इसके बाद वे भारत गए और एक आश्रम में एक भिक्षु बन गए। आश्रम में एक दशक से अधिक समय के बाद वे स्थायी रूप से US वापस चले गए और फिर एनर्जी ड्रिंक्स के बाजार में उतर कर अपना जीवन बदलने का फैसला किया। ये मत भूलिए कि एप्पल के को-फाउंडर को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। एप्पल से निकाल दिए जाने के बाद स्टीव एक अचंभे की तरह उभरे। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद एप्पल में वापसी की और जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया। एक कमेंसमेंट स्पीच में स्टीव ने उल्लेख किया है कि सबसे अच्छी चीज जो भी उनके साथ होनी थी वो है एप्पल से उन्हें निकाला जाना। द गैंग्स ऑफ वासेपुर के अभिनेता ने बॉलीवुड में संघर्ष भरा जीवन जिया है। उत्तर प्रदेश में एक किसान परिवार में पैदा हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पहले एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में नौकरी की। यूपी से दिल्ली आए तो गुजारा चलाने के लिए वॉचमैन की नौकरी की। उन्होंने फिल्म सरफरोश में अपनी पहली छोटी भूमिका निभाई। उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टरों के ऑफिस के चक्कर लगाते रहे ताकि किसी की नजर उन पर पड़े। पीपली लाइव में एक रिपोर्टर के रूप में देखे जाने के बाद उन्हें बड़ा ब्रेक मिला। फिल्म परसूट ऑफ हैप्पीनेस उद्यमी और स्टॉक ब्रोकर क्रिस गार्डनर के जीवन पर आधारित थी। गार्डनर दुर्भाग्य से गुजरे क्योंकि उन्होंने एक मेडिकल बिजनेस को अवसर के रूप में देखा, परंतु वह एक बोझ बन गया। उसे कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। उसकी प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया और वह बेघर हो गया। उसके बाद उन्होंने सैन फ्रांसिस्को स्थित एक ब्रोकरेज कंपनी में इंटर्नशिप का आवेदन किया और वहां से उन्होंने बहुत तेजी से सफलता प्राप्त की। मिकी माउस के निर्माता ने पहली बार असफलता का स्वाद तब चखा जब वह एक कार्टून सीरीज के असफल हो जाने पर दिवालिया हो गए। डिज्नी उसके बाद मात्र $40 लेकर लॉस एंजलिस की ओर अग्रसर हुए और वह अपने साथ ले गए थे केवल एक शर्ट, 2 अंडरशॉर्ट्स, मोजे के 2 जोड़े और कुछ ड्रॉइंग्स। वह बुरी तरह से अभिनेता बनना चाहते थे, परंतु जीवन के पास उनके लिए कुछ अलग ही योजना थी। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर कैलिफोर्निया में एक एनिमेशन स्टूडियो खोलने का फैसला किया। देखिए वह क्या बन गया। आप माने या ना माने, हेनरी फोर्ड 5 बार दिवालिया हुए थे, पर यह उन्हें वह व्यक्ति बनने से नहीं रोक पाया जिसने औद्योगिक उत्पादन में क्रांति ला दी। फोर्ड एक फार्म का लड़का था जिसने एक मशीन की दुकान पर विद्यार्थी बनकर शुरुआत की। बाद में वह चीफ इंजीनियर बने। 1893 में उन्होंने अपनी पहली कार बनाई, फिर उसकी लागत कम करने के लिए संघर्ष किया जिससे अंततः सस्ती कारों का उत्पादन हुआ। यह आविष्कारक लाइट बल्ब का आविष्कार करते समय 10,000 बार असफल हुआ। उनका प्रसिद्ध कोट है,
कि मैं 10,000 बार विफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। जब मैंने उन तरीकों को समाप्त कर दिया है जो काम नहीं करते, तो मुझे वह तरीका मिलेगा जो काम करेगा। जब आइंस्टीन युवा थे तो उनके माता पिता को लगता था कि वे मंदबुद्धि हैं। स्कूल में उनके मार्क्स इतने खराब थे कि एक टीचर ने उनको पढ़ाई छोड़ देने की सलाह देते हुए कहा था, तुम कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम मूल्यहीन हो। यहाँ तक कि उन्होंने 4 वर्ष की उम्र में बोलना सीखा और 7 वर्ष की उम्र से पहले तो वो पढ़ भी नहीं पाते थे। आज हम उनको 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक मानते हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में उनके योगदानों के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। संभवतः असफलताओं में कभी निराश न होने तथा दृढ़ता न खोने वालों में सबसे बड़ा नाम अब्राहम लिंकन का है। गरीबी में जन्मे लिंकन ने जिंदगी भर कई मुसीबतों और असफलताओं का सामना किया। वे कई बार हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया इसीलिए वे अमेरिका के इतिहास में सबसे महान राष्ट्रपति बन पाए। उससे पहले उनकी असफलता का यह रिकॉर्ड था, 1832 में नौकरी खो दी, 1832 विधानसभा चुनाव हार गए, 1833 बिजनेस में फेल हुए, 1835 उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, 1834 विधानसभा चुनाव के लिए चुने गए, 1836 उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, 1838 हाउस स्पीकर का चुनाव हार गए, 1843 कांग्रेस के नॉमिनेशन रेस में हार गए, 1849 भू अधिकारी के लिए खारिज कर दिए गए, 1854 सीनेट का चुनाव हार गए, 1856 उपराष्ट्रपति की रेस में पीछे रह गए, 1858 दोबारा उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गए, 1860 अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इतनी असफलता के बावजूद वे कभी निराश नहीं हुए, बल्कि एक नई उमंग और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहे और अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लिया।